शेखपुरा के कोटला इलाके में है और यहीं के अधिकतर जो लोग हैं उस बवाल में शामिल होने बताए जा रहे थे, जिस बवाल को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए हैं। कई लोगों को पुलिस ने अब तक हिरासत में ले लिया है, 13 लोग गिरफ्तार करके पहले जेल भेजे जा चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो पुलिस कर चुकी है, लेकिन जो परिवार वाले हैं उनके, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को निर्दोष बता रहे हैं। तो ऐसे ही एक परिवार के पास पहुँचे, यहाँ पर इनके तीनों बेटे जो हैं वो पुलिस ने उसी मामले में गिरफ्तार किए हैं। आपका नाम क्या है? शमशीदा जी, आपके कितने बेटे पकड़े हैं पुलिस ने? एक। अच्छा, बड़ा लड़का। अच्छा, और साथ में और कौन है उनके? मेरा जेठ का लड़का। अच्छा, वो भी नागार नहीं। अच्छा, वो भी चाय पी रहा था। अच्छा, गलत मेरा बच्चा घास गाट रहा था, पूरा नहीं बंद करया। अच्छा। मैं कांप गई। अच्छा, पूरी तरह गलत की गलत हमारे घर में पड़ गई, सारे कहे की तलाश अली। अच्छा, फिर वो आती है इतना आगे जा लिए। अच्छा, यहाँ से पकड़ लिए। अच्छा, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि भाई इन लोगों ने पुलिस पर पत्थर मारे थे, वीडियो में उनकी है पहचान। झूठ बात, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल झूठ। अच्छा, बिल्कुल झूठ। पुलिस तो कह रही है सबूत है हमारे पास नहीं है ना, कुछ नहीं। क्या कर रहे थे वो यहाँ पे इस समय? जब जंगल गए हुए थे मेरे बच्चे तो। अच्छा, दो काम पर गए हुए थे। अच्छा, घास काट रहे थे, पीछे से आके नुगिरवान पकड़ लिया। अच्छा, नाम क्या है तीनों के? एक साजिद, वाजिद, साजिद पकड़ा हुआ। अच्छा, और वो दोनों बाकी वो कहाँ है दो? वो नाम है उनके भी क्या इस मामले? अच्छा अच्छा, मुख्य साजिद को भी पकड़ा हुआ है पुलिस ने। अच्छा, घास काट रहे थे। मैं भी काम पे ही थे। आप भी यहीं रहते हो भाई क्या? क्या नाम है आपका? आजाद। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ही हुआ था जी, वहाँ से जो परप्पन है था वो तो एसओ साहब ने वहीं पे ले लिया था। ठीक है। जो वहाँ पे गई है तो वहाँ पे कुछ दरबारे के थे, कुछ बड्डे वालों को में थे। ठीक है। अच्छा, मुरसलीन मुदस वो मुरसलीन हरे हैं बड्डे वाले, ये मैं मिलजुल के सारे के सारे वहाँ पे गए, और तो मोहल्ले का कोई नहीं गया था वहाँ पे, लुंडियार उनकी साथ थी। अच्छा जी, ये गए वहाँ पे जो 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 गया आदमी वहाँ पे, इन्होंने किसी कारी साहब के डंडा डुंडा मारा, बच्चे लारों ने डंडा डुंडे बजा दिए, पत्थर मारे, ईंटा मारी। किसने दे दिया उनके हाथ में पत्थर बच्चों के? अपना आप उठाई जी उन्होंने। अच्छा जी, बता रहे हैं कि उनको भड़काया गया उनको उनको हाँ, उनके पुलिस वालों ने डंडा डुंडा मारा रोकथाम के लिए, अब फिर उन्होंने आज्ञा के लिए फिर पथराव करा उन्होंने। अच्छा। पब्लिक ने जितनी आई थी। तो कितने लोग हैं यहाँ के पुलिस के हिरासत में अब तक? कितने लोग गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस यहाँ से? जो जिन्होंने जो कांड कर रखा हो तो यहाँ तो फरार है भागे हुए। अच्छा जी, और एक मुदस्सिर है, वो जिनने बिजली की दुकान खोल रखी उसके भाई भी थे इनमें। अच्छा, जो पथराव में आए थे और तो जो है नागानी के पकड़े गए, जो इन्होंने कर रखा वो गए भाग यहाँ से। अच्छा। वो तो सुनसान है सारा का सारा। अच्छा जी, कितने लोगों के नाम है इस गांव के यहाँ पर? कम से कम 200 आदमी तो है थे। अच्छा जी। अच्छा, कोटले मोहल्ले के? कोटले मोहल्ले के नहीं आएंगे, चेलपुरे के, दरबारे के, अर्जी रेती चौक के कसाई। अच्छा। कसाई ज्यादा है। अच्छा जी, तो ये कुछ पता लगा कि किसने भड़काया उन्हें सबको? अब उन्हें तो पता नहीं कितना भड़काया, जो उंगे से आई पब्लिक टंकी की तरफ से, जिंगे टंकी है उंगे से भड़का होता हुआ आया। अच्छा। हाँ, उंगे से हम तो अपने घर आ गए थे सीधे, ये पब्लिक चली गई वहाँ चौकी पे। हमने तो फिर वीडियो में देखे, बाद में पता लगा भाई वहाँ पथराव हो गया। अच्छा। जी, फिर हमने भी अपनी जान बचाई, क्यों नागानी के एमपी से जब हमें आनते वहाँ पे। ये बता रहे हैं कि कोई नेता है इधर से पूरे के ही, उन्होंने भड़काया लोग इनको, जिसकी वजह से वो आक्रमक नेता ने उतना किसी ने नहीं भड़काया जी। अच्छा जी, ये तो पब्लिक थी, तुम्हें पता जब लोंड बूथ है, बच्चे है, लमडला रहे हैं, ये अपना आप गए, नेता ने किसी ने नहीं भड़काया। अच्छा जी, परमिशन कैंसिल हो गई थी। किन की? कौन कह रहा परमिशन तो कम लोगों की थी, लेकिन ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी जी। परमिशन तो ले ली थी उन्होंने, एसओ साहब ने ले ली थी, उन्होंने जो काम करने के लिए गए थे यहीं पे नहीं मट गया था, टंकी के पास ही। अच्छा। उसके बाद में तो ये बच्चे लोंड बूथ गए, जो वहाँ पे पथराव करा इन्होंने। अच्छा। जी, किसी आफिस साहब गए, डंडा डुंडा मारा उसके ऊपर, इन्होंने पथराव करा फिर। अच्छा। जी, गलती तो इनकी भी है जिन्होंने पथराव करा, गलत बात है, प्रशासन के ऐसा करना ना चाहिए।
जतन होना करा प्रशासन के साथ। अब सुना है कि लोग माफी भी मांग रहे हैं कि गलती होगी हमारे से। नहीं, माफी मांग रहे हैं जी, परसों आए हुए थे, कप्तान साहब भी आए हुए थे, एसडीओ साहब भी आए हुए थे, एसओ साहब भी सारे थे यहाँ पे, तो मांगी माफी उनसे पब्लिक ने, जो बड़े बड़े आदमी थे काशी में, जैसे कि हो रहे हमारे गाँव के जिम्मेदार, तो उन्होंने फिर यूँ कहा, कहने लगे जी जो जो वीडियो में होगा उनके उठाना पड़ेगा उन्हें, जो वीडियो में है, और जो वीडियो में है वो गए हुए भाग, वो गाँव में नहीं है। अच्छा। और तो आम पब्लिक है जो है नहीं थे वीडियो में। तो पुलिस जो है वो लगातार वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारियां कर रही हैं उन लोगों की, जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, हंगामा किया, और ये कोटला इलाका है और यहाँ के सैकड़ों लोगों पर पुलिस ने जो है वो मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया है। कुछ लोग नामजद भी हैं, इसके अलावा बाकी लोग अज्ञात हैं जिनकी तलाश पुलिस जो है वो लगातार कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो एक परिवार है उसका साफ तौर पर कहना है कि जो उनका बच्चा है साजिद वो बेगुनाह है, वो निर्दोष है, वो कहीं काम से गया हुआ था, वो उस उपद्रव में शामिल नहीं था। लेकिन पुलिस का दावा है कि जो वीडियो फुटेज मिले हैं उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो उस उपद्रव में शामिल थे। देखा जाए तो अब तक 20 लोगों की पुलिस जो है वो गिरफ्तारी कर चुकी है, अन्य लोगों की तलाश जो है पुलिस लगातार कर रही है, और पुलिस का दावा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, जिसका चेहरा वीडियो फुटेज में दिखाई देगा, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।